राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड RCFL की तरफ से एक शानदार और बम्पर वैकेंसी आई है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एज सैलरी सिलेबस सारा चीज़ डिटेल से डिस्कस करूंगा और AEJEE के बारे में कोई भी वैकेंसी आता है मैं इसको अपडेट करता रहता हूं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं और हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। तो देखिए इसमें जो वैकेंसी निकल के आ रही है, सबसे पहले टेक्नीशियन मैकेनिकल ट्रेनिंग के लिए टोटल 38 वैकेंसी है, UR के लिए 16, 3 OBSC सारा चीज कैटेगरी में आप देख सकते हैं, OBC के लिए 11। इसमें देखिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर्स डिप्लोमा मैकेनिकल और इससे रिलेटेड जो ब्रांच होता है जैसे ऑटोमोबाइल और इंस्ट्रूमेशन सारा ब्रांच एलाइड ब्रांच। उसके बाद साथ साथ आपको क्या होना चाहिए, अप्रेंटिस होना चाहिए, मतलब आपने अप्रेंटिस किया है तभी इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। उसके बाद देखिए और भी पोस्ट देख सकते हैं, सारा चीज इसमें डिटेल से दिया गया है। फिर उसके बाद देखिए एक पोस्ट है इलेक्ट्रिकल के लिए, तो देखिए इलेक्ट्रिकल में भी सारा चीज़ डिटेल से दिया गया, इसका भी आप सैलरी देख सकते हैं 22,000 से लेकर 60,000 तक है। स्टार्टिंग है आपको DA TA जोड़ के कम से कम आपको 30,000 सैलरी प्लस चल जाएगा। इसमें भी आप देख सकते हैं 3 ईयर्स का डिप्लोमा और क्या होना चाहिए आपके पास, अप्रेंटिस होना चाहिए। यदि आपने अप्रेंटिस नहीं किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो देख सकते हैं आप अप्रेंटिस करने का भी कितना फ़ायदा है, तो देखिए इसके बारे में सारा चीज़ डिटेल से डिस्कस करते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं टेक्नीशियन का इंस्ट्रूमेशन में कितना है, टोटल 12 वैकेंसी है। उसी प्रकार इसमें क्या होना चाहिए आपके पास, BSc या फिजिक्स से आप हैं या केमिस्ट्री हैं तो सारा चीज़, तो आप क्या है इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद देख सकते हैं सारा चीज़ में दिया गया, एज सैलरी सिलेबस डिटेल से दिया गया है। अप्लीकेशन फ़ी की हम बात करें तो अप्लीकेशन फ़ी आपको 700 रुपया पे करना होगा। इसके सैलरी की बात करें तो आपको अच्छा खासा सैलरी मिल जाएगा, 22,000 से लेकर आपको 60,000 तक सैलरी दिया जाएगा। उसके बाद आप इसमें परमानेंट अलॉट हो जाइएगा, आपको DA TA जोड़ के कम से कम आपको 30,000 सैलरी मिल जाएगा। यदि हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आप देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में दिया गया है कि ऑनलाइन टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट, मतलब आपका पहले ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा उसके बाद ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। और ऑनलाइन टेस्ट का देखिए और ये सिटी कहाँ पर होगा, एग्जाम कहाँ होगा, तो मुंबई एंड नागपुर में होगा। सारा चीज़ में डिटेल से दिया गया है तो आप देख सकते हैं। पेपर के पैटर्न की बात करें तो पेपर का जो पैटर्न है आपसे 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें से 50 नंबर आपका रिस्पेक्टिव ब्रांच से रहेगा और 50 नंबर में आपका इंग्लिश जनरल अवेयरनेस क्वांटिटी एप्टीट्यूड रीजनिंग सारा चीज़ डिटेल से रहेगा। आप सारा चीज़ देख सकते हैं और देख सकते हैं इसमें डिटेल से दिया गया कि आपका जो मेरिट बनेगा सिर्फ एग्जाम पर बनेगा, ट्रेड टेस्ट ओनली क्वालिफाइंग नेचर का है और डेसिमल का 2 अंक तक आपको राउंडेड मेरिट में लिया जाएगा। इसका अप्लाई लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। और हमारे चैनल से अभी तक आप नहीं सब्सक्राइब किए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इसी तरह का अपडेट मिलता रहेगा। सारा चीज़ यहाँ पर आपको डिटेल से दिया गया है, इसका नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। इसका अप्लाई डेट देखिए तो 30/12 से स्टार्ट है और कब तक बढ़ाएगा, 16 जनवरी तक बढ़ाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको सही जानकारी मिलेगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।